गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज ऐसी बात करने आया था कि बहुत से लोग कंफ्यूजन है कुछ कुछ बातों में। तो कुछ दो में ऐसा है कि जो खुदा पैदा होता नहीं है, खुदा पैदा करता है। अब आप बोलेंगे जो पैदा हुआ वो खुदा है, तो भैया खुदा पैदा करने वाला होता है, ना कि वो खुद पैदा होता है। तो जन्मभूमि की मसली क्या है? जन्मभूमि का मसला ये है कि हमारी जन्मभूमि है, हम पैदा हुए, आप पैदा हुए, कितने लोग हैं सब पैदा हुए। पैदा करने वाला खुदा है। हमारी जन्मभूमि हो सकती है, तुम्हारी जन्मभूमि हो सकती है, भगवान की कोई जन्मभूमि नहीं होती। अब ये लोग जन्मभूमि मनाते हैं, क्या बेस पे मनाते हैं जन्मभूमि? भाई वो खुद दूसरा पैदा कर रहा है उसको। भाई पैदा करने वाला एक ही है खुदा, इसके अलावा कोई जात नहीं है पैदा करने वाली। और रहा सवाल हिंदुस्तान को, लोग बोलते हैं यहाँ से निकलो, ये करो, हिंदुस्तान तुम लोग नकली लोग हैं। भाई असली लोग हैं। क्यों? इंसान जिंदगी में आया, हिंदुस्तान में आया, अपनी अपनी कंट्री में आया, लेकिन हिंदुस्तान की बात बताओ तो हिंदुस्तान की बात क्या क्या है सीन? कि हम लोग 500 स्क्वायर फीट में रहे या 5,000 स्क्वायर फीट में रहे, जितने स्क्वायर फीट में रहे, जमीन पे है हिंदुस्तान। जिंदगी जिए जमीन पे रह के, मर गए तो कब्र में जा रहे हैं 2 गज जमीन लेके। तो भाई जमीन से नाता हमने जोड़ के रखे, मरने के बाद भी और जिंदगानी में भी। तो आप बताइए कौन ठेकेदार हुआ जमीन का? कोई उनकी जमीन की किस्मत, हमारी किस्मत जमीन से हम ही तय कर रहे हैं। हम यहीं पैदा हो रहे हैं और इसी में मर जा रहे हैं, यहीं पे जिंदगी चल रही है हमारी, मरने के बाद भी 2 गज जमीन लेके जा रहे हैं। तो भाई लोग आते हैं बाहर से, लोग रियाल लेके, अलग अलग डॉलर लेके। भाई हिंदुस्तान का मुसलमान ये डॉलरों से और रियालों से नहीं अमीर हुआ, अमीर हुआ ये ख्वाजा गरीब नवाज से। आया समझ में? चलो ठीक है।